हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी चंद्रा प्रभा वाटिका। ये बहुत सारे ब्रांड में आता है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। आज मैं रिव्यू करूंगी पतंजलि का चंद्रा प्रभा वाटिका। चंद्रा प्रभा वाटिका आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इसका यूज बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। ये एक डब्बे में 40 टैबलेट आता है। इसका प्राइस है 43 रुपीज। ये बड़ा पैक में भी आता है, 80 टैबलेट में भी आपको मिल जाता है। इजीली कोई भी स्टोर में अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मधुमेह में भी काफी लाभदायक है। इसमें कुछ ऐसे घटक होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। किडनी संबंधी बीमारियों के लिए काफी लाभदायक है। जिनकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, यूरिन में बदबू की प्रॉब्लम हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी काफी लाभदायक है। ये पुरुष यौन स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। ये शुक्राणु संबंधी विकारों का भी इलाज करता है, साथ ही शारीरिक कमजोर थकावट का भी इलाज करता है। हार्मोन असंतुलन को भी ठीक करता है, मन को शांत करता है। ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंक देता है। ये पीरियड संबंधी समस्याओं के लिए भी काफी लाभदायक है। जोड़ों में दर्द होने से इसका यूज किया जाता है। इसका यूज से स्किन पर ग्लो आता है, शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब बात करते इसके डोज के बारे में। तो इसे आपको 1 से 2 टैबलेट करके लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। गाइस, आपको अगर ज़्यादा समस्या नहीं हो तो आप दिन में 1-1 टैबलेट करके भी ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा समस्या है वो 2-2 टैबलेट करके ले सकते हैं। आपको इसे कम से कम 1 मंथ तक तो आपको लेना ही है, 1 महीने तक तो आपको इसको लेना ही है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही करें। इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं। एंड ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी मिल जाता है। गाय, जरूरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का ले, आप अदर ब्रांड में भी जा सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं कुछ ब्रांड का लिंक आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं किन किन को नहीं लेना चाहिए। तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं होनी चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड और फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।